करनाल से सरोज जुड़ी हैं हमारे साथ। स्वागत है सरोज जी। जी, जी जी आदाब। नमस्कार। हाँ जी मैम, मेरे को मतलब एलर्जी है, जैसे छपाकी सी हो जाती है। छपाकी क्या हो जाती है? हो जाती है, एलर्जी है, जैसे खारिश हाँ करते हैं ना हाँ दाने ठीक है की, ठीक है। वो ऐसे पिक सी उछलती है। हाँ जी, पिक बन जाती है। जी उसका कोई घरेलू इलाज मैम? बिल्कुल जी। ये जो पित्ती है ये बहुत आसानी से ठीक हो सकती है। देखिए, एक आता है कलौंजी का नमक। हमारे किचन में कलौंजी होती है ना, इसे हम तोड़ते हैं तो अंदर सफ़ेद निकलती है। ये जो सफ़ेदी है ये निकाल लेते हैं और उसको कहते हैं कलौंजी का रसायन, या नमक कलौंजी भी कहते हैं। ये नमकीन नहीं होती। ये 100 ग्राम ले लीजिए और 100 ग्राम लेकर 500 ग्राम अलसी के साथ पाउडर बनाएं और आधा आधा चम्मच सुबह शाम पानी के साथ खाया करें। और फ़ायदा तो बहुत जल्दी होगा आपको इससे, लेकिन आप इसे ख़त्म कर लेना। जो 600 ग्राम मटेरियल मैंने बताया, इसे ख़त्म करके आप फिर निश्चिंत हो जाइए, फिर जीवन में शायद ये बीमारी वापस ना लौटे। नेक्स्ट कॉलर लखनऊ से मनोज शुक्ला जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। जी नमस्कार। जी आदाब। हेलो जी, बताइए, मैं सुन रहा हूँ, बताइए क्या सवाल है। डॉक्टर साहब, हमारे कान में बहुत भारीपन रहता है और एक कान में, दाहिने कान में आवाज आती है। शुक्ला साहब, कितनी उम्र है और कब से है ये रोग? 42 फोर्टी टू 6 साल भर हो गया करीब। ठीक है। अच्छा, मेरी बात आप और मुझे देखें गौर से। ये आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ, वो आप शुरू करें और 15 दिन तक करें, ठीक है? 15 दिन तक देखिए ऐसे करनी है एक्सरसाइज, ये कान इससे मिलाइए, ये मोढ़ा मोढ़ा नहीं उठना चाहिए आपका, ऐसे। ये आप रोज़ाना 3 मिनट करें, 3 मिनट, एक साथ नहीं कर सकते, तो एक एक मिनट करके 3 मिनट करें, ठीक है? और ऐसे 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 ये भी 3 मिनट करना है और 15 दिन करना है, ठीक है? 15 दिन में आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप समझ सकते हैं कि आपको बगैर दवा के भी फ़ायदा हो सकता है। वैसे तो बगैर दवा के फ़ायदा हो जाना चाहिए, और अगर फिर भी आपको लगे कि कम फ़ायदा है या कोई घरेलू नुस्खा चाहिए आपको, तो कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, रोज़ाना एक बार या दो बार नाश्ते और खाने के बाद लिया करें। वो 15 दिन तक ये एक्सरसाइज करते रहें, वज़न बिल्कुल ना उठाएं, बहुत मेहनत ना करें, और ये अच्छा इलाज है। अगर आपने 15 दिन किया तो आपको बहुत फ़ायदा मुमकिन है। पंजाब से नेक्स्ट कॉलर परवीन, स्वागत है आपका। मैडम जी, हाँ जी नमस्कार। मेरे को पहले घुटनों में और कमर में दर्द का रहता, अब तो थोड़ा सा वो फर्क है। मैं एक्यूप्रेशर जो होता है ना, वो जो पैर पे दाने बांधते हैं और वो लगाते हैं पट्टी जी लगाते हैं गर्म वाली, वो एक्यूप्रेशर कराती थी। और उन्होंने मेरे को कल बोला कि कितनी कर सूजन थी टांगों में बहुत आती, तो मेरे को उन्होंने कहा कि घुटनों कितनी का टेस्ट करवाओ। और यदि ऐसे तो वो मेरा किचन में थोड़ा मिस आया है, तो इसके लिए मशीन या सब से मैं पूछना चाहती हूँ कि ये क्या बताएंगे। उन्होंने मेरे को बस दवाई नहीं अभी तक तो बताई, वो कहते हैं हरी सब्जी और ये चीजों का कुछ प्रयोग करो, तो हकीम जी साहब के पास से ये ऐसा नुस्खा है? समझ गए आप? हाँ जी, इनके पैरों में सूजन बहुत ज़्यादा है और डॉक्टर्स ने कहा है कि एक बार आप किडनी की जांच करा लीजिए। जी और किडनी की जांच, तो अगर सूजन आए पैरों के साथ मुंह पर भी सूजन अगर आती है तो किडनी की जांच होनी चाहिए। अक्सर ये रोग होता है हमारी किडनी की गंदगी, जिसे क्रिएटिनाइन कहते हैं, तो उसके बढ़ने से। और वो आप करा लें तो बहुत अच्छा है, अगर
कराना टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और साल में एक दो बार हमें अपना बॉडी टेस्ट कराना चाहिए, पूरा फुल बॉडी टेस्ट, ठीक है। और इसके लिए मैं दवा भी बता देता हूँ। एक आता है गौन स्याह, सुबह शाम आधा आधा ग्राम ले, असली लेना, नकली बहुत मिलता है, जायके में कड़वा और देखने में ब्राउन कलर का, लेकिन इसे गौन स्याह कहते हैं यानी काला गौन, आधा आधा ग्राम आप खा सकते हैं, बहुत जल्द आपको फायदा मुमकिन है। अगले कॉलर अंबाला से आशा मेहता जी, स्वागत है आशा जी। नमस्कार, आप थोड़ा सा तेज आवाज में बात कर लीजिए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ठीक है मैम, ठीक है, बोलिए जी। नमस्कार डॉक्टर जी। आदाब। हाँ जी डॉक्टर, मैंने ना आपके अभी ये टीकेयर के ना कैप्सूल मंगवाए हैं घुटनों के लिए, तो मेरे घुटने बहुत कड़कड़ करते थे उठते बैठते ना, वो मैंने लिए, अभी पहुंचे हैं मेरे पास ना, वो कैसे लेने? ठीक है, एक सुबह नाश्ते के बाद इस्तेमाल करें ये कैप्सूल, बगैर चर्बी के दूध से या पानी से, और शुगर नहीं है तो कभी जूस से भी ले सकते हैं, कभी दूध कभी पानी कभी जूस, तो सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद दो ही वक्त लें, और 5 दिन सब्र करें, 5 दिन बाद कुछ रिजल्ट आता है, और 1 महीने में आपको इत्मीनान आ जाता है, 1 महीने में पूरा भी फ़ायदा हो जाए तो 2-3 महीने आप खाएं, तो आपको बहुत मुद्दत के लिए फायदा होना मुमकिन। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। रेखा जी स्वागत है आपका जी, बोलिए। मेरे पैर में डॉक्टर ने गेप बताया है, ग्रीस कम बताया है, तो उसके लिए क्या करूं मैडम जी? आपकी एज कितनी है? मेरी 53 है मैडम। ठीक है, देखिए ग्रीस कभी कम नहीं होता, ये कुदरत की पैकिंग है, कोई मोटरसाइकिल का कार्बोरेटर नहीं है कि ग्रीस ख़त्म हो गई या जल गई या, ये ग्रीस कभी ख़त्म नहीं होता और गैप कभी नहीं आता, ऐसा मेरा अनुभव है। आप को मेरा अनुभव देखना है तो कैप्सूल टी केयर, टी फोर टाइगर कैप्सूल टी केयर सुबह शाम लेना शुरू करें, और कुछ दिन वजन नहीं उठाएं, और वेस्टर्न टॉयलेट ऐसे कुर्सी वाला जो टॉयलेट है उसका उपयोग करें, ये आपके साथ मेरा अनुरोध है कि आप देखिए ये अगर लेंगे तो 5 से 10 दिन में फ़ायदा शुरू होना चाहिए, आपको इतना संयम है तो आप शुरू करें कैप्सूल टी केयर सुबह नाश्ते के बाद रात को खाने के बाद, बगैर चर्बी के दूध से, शुगर नहीं है तो जूस से, गरीब हैं तो पानी से भी काम करता है, 1 महीने दवा लें, अगर पूरा भी फायदा हो जाए तो 2-3 महीने तक लेना ताकि आपके घुटने की पूरी रिपेयर हो सके। कॉलर है मुंबई से राजकुमार संतोषी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार अकीम सर। जी नमस्कार अकीम सर, मेरे को थोड़ी लंबी बात करनी है, मैं नमस्कार करता हूँ आपको। लंबी बात करनी है नमस्कार करके? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपका पूरा प्रोग्राम देखता हूँ, चाहे तकलीफ हो या नहीं हो, मैं लेकिन घर में देखते हैं सब लोग। अच्छा अच्छा धन्यवाद भाई, बहुत जिस तरीके से आप बात करते हैं ना बहुत अच्छा लगता है इंसान, इसके साथ आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जो आप नुस्खे बताते हैं बहुत अच्छा लगता है, देख के ऐसे बहुत सारे ज़रा नवाजी का बहुत फायदा बहुत छोड़ा है। बताइए क्या और सेवा है मेरे लिए? मेरे नहीं घुटने से नस जाती है, पूरी घुटने से एक नस में ऐसे तकलीफ जाती है नीचे तक पैर पर। दर्दों का बड़ा अच्छा इलाज यूनानी में है, देखिए कैप्सूल टी केयर या तो लें सुबह शाम, और वेस्टर्न टॉयलेट होगा आपके घर में उसका उपयोग करें, पुराने लोग वेस्टर्न टॉयलेट का उपयोग नहीं करते, थोड़ा बचते हैं, लेकिन नई सभ्यता के साथ हमें ढलना ज़रूरी है, तो होते हुए भी नहीं करते, और कैप्सूल टी केयर सुबह शाम नाश्ते के बाद आप लेना शुरू करें, और अगर भगवान को मेरी इज्जत प्यारी है तो आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंचाएगा, 1 महीने में फ़ायदा हो जाए तो
3-4 महीने आप लगातार दवा लें, और हौसला अफजाई के लिए आपका बहुत शुक्रिया, जर्रा नवाजी के लिए बहुत धन्यवाद, सलामत रहिए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से, हमारे साथ कमलेश रानी है लुधियाना से, स्वागत है आपका। राम राम जी, जी बताइए। हाँ जी, मेरा ना सिर बहुत दर्द होता है। कब से तकलीफ है? हाँ जी, बहुत सिर से है, बहुत ज्यादा साइड, एक साइड पे बहुत ज्यादा खींच पड़ती है और गर्दन भी सूज जाती है और पेट पे भी अपार आता है, जलन होती है, बीपी भी बढ़ता है। एज क्या है आपकी? हाँ जी, हमारी एज 60 साल है जी। 55? हाँ जी। ठीक है देवी जी, देखिए मैं एक इलाज बताता हूँ, बल्कि एक फिजियोथेरेपी कहते हैं इसे, यानी कसरत यानी एक्सरसाइज। तो ये आप रोज़ाना करें, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप गौर से देखिए, ऐसे बिल्कुल सीधा बैठें और ये कान इससे मिलाने की कोशिश करें, ठीक है। ये रोज़ाना आपको 3 मिनट करनी है, ठीक है। एक साथ तो नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, तो आधा आधा मिनट करके, एक एक मिनट करके 3 मिनट करनी है, ठीक है। और एक एक्सरसाइज ये ठोड़ी यहाँ से पकड़िए, पूरी मोड़ दीजिए इसे पूरी तरह, ये यहाँ तक आ जाती है, जब ये यहाँ आने लगेगी तो आप ठीक हो जाएंगे। और 3 मिनट ये, 3 मिनट वो एक्सरसाइज, वज़न वगैरह मत उठाया करिए ज़्यादा, और 10 दिन में एक अच्छा रिजल्ट आएगा, आपको फ़ायदा शुरू हो जाएगा। और वैसे तो इसी से फ़ायदा हो जाना चाहिए, लेकिन अफारा वगैरह आपके है और गैस वगैरह है, तो उसके लिए सौंफ, आंवला, मेथी 200-200 ग्राम लें, सौंफ, आंवला, मेथी 200-200 ग्राम, और एक आता है नमक जैतून, इसे रसायन जैतून भी कहते हैं, जैतून का रसायन, ये 100 ग्राम लेकर इसमें मिला दीजिए, जो मैंने मटेरियल बताया है, पाउडर बनाइए और आधा आधा चम्मच 2-3 टाइम भी खा सकते हैं खाने से पहले, तो आपका ये पेट का भी मसला हल होना मुमकिन। लखनऊ से हिमांशु जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका हिमांशु जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार, हमें डॉक्टर साहब से ये जानना कि हमारे दांतों में गैपिंग है। अच्छा, तो उसके विषय में डॉक्टर साहब कुछ बता दो जी। चलने में प्रॉब्लम होती है डॉक्टर। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? उम्र हमारी है 50 है। ठीक है, देखिए बड़ा अच्छा नुस्खा है, बल्कि दो चीज़ें बताऊंगा जो आपको आसानी से मिल जाए वो इस्तेमाल करें, और ऐसे रोगी ठीक हो जाते हैं मेरे अनुभव के अनुसार। देखिए, एक तो आता है गौंद सियाह, ये काला गौंद रॉ मटेरियल है, इसको आप असली लेना है, नकली भी बहुत मिलता है। गौंद सियाह अगर 100 ग्राम भी मिल गया तो समझ लीजिए आपके रोग के लिए काफ़ी होगा। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खाएं, नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद, बगैर चर्बी के दूध से, जूस से या पानी से, जिससे भी खाएंगे फ़ायदा आपको मुमकिन है। ये असली लेना, नकली बहुत मिलता है, जायके में कड़वा, देखने में ब्राउन कलर होता है, लेकिन इसको गौंद सियाह या काला गौंद कहते हैं, नकली मत लेना। अगर नहीं मिल रहा है तो आप कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, आधा ग्राम सुबह, एक कैप्सूल सुबह एक शाम को, ऐसी तरह नाश्ते और खाने के बाद लें, और 5-10 दिन इंतज़ार करें, 5 या 10 दिन में थोड़ा थोड़ा फ़ायदा शुरू होता है, और अपना खूब ख्याल रखें, मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा मुमकिन है। अगले कॉलर जुड़ी हैं करनाल से सरोज जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम, मेरी मम्मी है, मतलब उनको ना अधरंग हुआ था। वो उनकी अब 2 साल हो गया, उनकी जैसे टांग और गुर्दा बिल्कुल जैसे जुड़ सी गया, पेन बहुत होती है, बहुत रोते हैं वो, उम्र 75 साल है जी। और देखिए आपकी मम्मी के लिए आप लिख लीजिए, गौंद सियाह कहीं असली मिल जाए, नकली बहुत मिलता है, कड़वा होता है बहुत जायके में, और
100 ग्राम भी अगर असली मिल गया तो आधा आधा ग्राम सुबह शाम खिलाएं। और ये जो होता है ना वेस्टर्न टॉयलेट, आपके घर में ज़रूर होना चाहिए, नहीं है तो लगवा दें। आप बहुत प्रेम करते हैं ना अपनी मम्मी को, तो उनके लिए लगवा दें, वो अपनी ज़रूरत वेस्टर्न टॉयलेट पर पूरी किया करें। ये नहीं होगा तो बार बार वो होता रहेगा तकलीफ, दवा उनको अच्छा करेगी और आप उन्हें फिर ये जो दूसरा टॉयलेट होता है वो उसे फिर ख़राब कर देता है। या कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, कैप्सूल टी केयर सुबह शाम देना शुरू करें, आपकी मम्मी को फायदा मुमकिन है। पटना से कॉलर हैं हमीम अंसारी, स्वागत है आपका। हेलो, सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम, बताइए आपका सवाल क्या है। वाले सलाम। ये वाइफ का जो है पेट में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है और कमजोरी हो रही है। पेट में दर्द और कमजोरी, कब से है ये तकलीफ? जी करीब 13 महीना जो गई, जो मेरी उनके वाइफ की जो है ना मां डेट कर दी गई थी तो बड़ा टेंशन में आ गई थी, तो चार दिन खाना पीना छोड़ दी थी, तो चलते हो गया। एज क्या है? कोई करीब 25-28 बरस। जी हाँ, देखिए पेट की जांच करा लें आप, सोनोग्राफी करा लें। और कभी कभी हमें पथरी हो जाती है तो उससे पेट में दर्द होता है, फिर वो कमर की तरफ चला जाता है, कभी उल्टी आती है तो किडनी की और पेट की, बल्कि पूरे एब्डोमन की सोनोग्राफी करा लें तो सही पता चलेगा। अभी शुरू हुआ है लेकिन क्योंकि आपने फ़ोन किया है तो मैं दवा भी बता देता हूँ। देखिए सौंफ, धनिया, मेथी, इसका पाउडर बना लें बराबर वज़न में लेकर, और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम गर्म पानी से दें, और गर्म पानी 5 बार पिलाएं, तो हो सकता है कि उनको फ़ायदा हो जाए। लेकिन जांच कराने में कोई बुराई नहीं है, जांच ज़रूर कराएं ताकि हमें भी पता चल सके, और जांच में जो आए तो आप हमें शेयर करें ताकि हम कोई सटीक इलाज भी बता सकें। अगले कॉलर हैं सुमन जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी बोलिए। मैडम मेरे कमर में बहुत दर्द है और कमर वाला दर्द जो है वो नीचे जाता है घुटनों में, पट्टों में, पिलियों में, पैरों में। कितने समय से है? 10-11 साल हो गए हैं। आपकी एज क्या है? 68 साल। अच्छा देखिए मैं आपकी बात सुनकर ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर होगा, ऐसा मेरा अंदाज़ा है, पता चल जाता है अंदाज़े लैंग्वेज से। और फिर भी अगर मेरा अंदाज़ा गलत हो तो वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर लगवाएं, तभी आप ठीक हो सकते हैं। यानी ये कुर्सी वाला बाथरूम, पढ़े लिखे हैं आप और ज़रूर होना चाहिए आपके घर में वैसे मेरे अंदाजे में। अच्छा देखिए 10 साल आपने क्या इलाज नहीं किया होगा, और मुझे आपसे 2-4 महीने चाहिए यूनानी के लिए, क्योंकि यूनानी रोज़ ज़रा सा फ़ायदा पहुंचाती है। देखिए यूनानी में दो चीज़ें हैं जो आपको आसान से मिल जाए और असली मिल जाए, वो ले लीजिए। गौंसिया, एक काले गौंद को कहते हैं गौंसिया, नकली बहुत मिलता है, कड़वा बहुत होता है, बसूरत सा होता है, इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फ़ायदे में मैंने इससे अच्छी कोई दवा नहीं देखी। एक रॉ मटेरियल है, साबुत लें, पिसावा किसी से ना लें, और उसको पाउडर बना लें, 100-200 ग्राम भी मिल गया तो आपके रोग के लिए काफ़ी है जी। गौंसिया आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम, पानी से बगैर चर्बी के दूध से, शुगर नहीं है तो जूस से ये लें। ये नहीं मिले तो आप कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खाना शुरू करें, और एक महीने में भी फ़ायदा हो जाए तो 3-4 महीने खाना, ताकि ये रोग वापस ना लौट सके।